कंजूस दादी की 5 पोतियाँ। चंद्रावती अपनी 5 पोतियों के साथ रहती थी। चंद्रावती के बहु बेटे काफी समय पहले ही गुजर गए थे और अब चंद्रावती ने ही अपनी 5 पोतियों को पाल पोस कर बड़ा किया था। चंद्रावती दूसरों के घरों में काम किया करती और पैसे इकट्ठा कर अपनी पोतियों का भरण पोषण करती थी। उसकी 5 पोतियाँ काफी होनहार थी और इसी का फायदा उसकी दादी चंद्रावती उठाना चाहती थी। और ऐसे ही एक दिन, अरे मेरी प्यारी पोती हो जाओ बच्चा, सुबह हो गई है। दादी सोने बना। बेटा तुम लोग भूल गए हो क्या, आज तुम लोगों को काम ढूंढना है। क्या दादी हम नहीं उठ रहे हैं? आपको अपने काम पर जाना है तो जाओ, लेकिन ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। चंद्रावती कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। कुछ समय बाद दादी आवाज लगाते हुए अपनी पोतियों को कहती है, बच्चों मैंने खाना बना दिया है और तुम सब उठो बेटा, समय से खा लेना। ठीक है, दादी चंद्रावती वहाँ से अपनी मालकिन के घर चली जाती है और अपनी मालकिन के घर में काम करने लगती है। चंद्रावती की मालकिन चंद्रावती से बोलती है, अरे काकी आजा प्लेट कैसे हो गई? अरे मालकिन अब क्या कहूँ, आप तो जानते ही है कि मेरी 5 पोतियाँ हैं, उनको उठाने में समय लगता है और उनके खाने पीने का ध्यान मुझे ही रखना पड़ता है और आज वह उठ ही नहीं रही थी, इसीलिए आने में थोड़ी देरी हो गई। काकी आप मुझसे बड़ी है और मेरे को कितनी बार कहा है कि आप मुझे मत कहिए, अब शुरू से यही बोलती आई हूँ तो अब आपका नाम लिया नहीं जाता। मालकिन भी अच्छा चाहती है, मुझे देर हो रही है, आप अपना और मेरे घर का ख्याल रखना। इतना कहकर अब चंद्रावती की मालकिन वहाँ से चली जाती है और अब चंद्रावती भी घर की सफाई करने लगती है। तभी उसकी नजर अपनी मालकिन के लिपस्टिक पर जाती है और वो लिपस्टिक को अपने हाथों में लिए एक कुत्ते से बोलती है, अरे वाह ये लिपस्टिक देखने में तो बहुत सुंदर लग रही है, क्यों ना मैं इसे कटोरा लो और अपनी पोतियों को दे दूं, आखिर वो भी तो लड़कियां ही है, उनका भी तो मन करता होगा सजने संवरने का, मैं ऐसा ही करती हूँ, इसको छुपा कर रख लेती हूँ। इस तरह वो सेफ्टी को छुपा कर रख लेती है और कुछ ही समय बाद वो खाना बनाने लगती है। खाना बनाते बनाते उसको ख्याल आता है कि वो खुद से कहती है, नहीं नहीं मेरी मालकिन को मुझ पर बहुत ही ज्यादा विश्वास है और उनके इस विश्वास को मैं तोड़ना नहीं चाहती हूँ। इतना सोचकर चंद्रावती वहाँ से अपनी मालकिन के कमरे में चली जाती है और उनके सामान को वापस रख देती है और सामान को निहारते हुए खुद से बोलती है, जब मालकिन आएगी तब मैं उनसे ही मामलो मैं। इस तरह अब वो अपनी मालकिन का सामान रख देती है और शाम को चंद्रावती की मालकिन अपनी एक दोस्त के साथ घर आती है। दोनों आपस में बैठकर बात कर रहे होती है कि तभी चंद्रावती वहाँ आती है और अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन खाना बन गया है, आप कहो तो मैं क्या खाना लगा दो लादू, और काकी आज मेरी दोस्त भी यही खाना पाएगी, इसलिए आप इसके लिए भी खाना ले आना जी मालकिन। इस तरह अब चंद्रावती दोनों के लिए खाना ले आती है। दोनों खाना खा ही रहे थे कि तभी वो टीवी पर देखती है जो न्यूज़ में ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई थी। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को 2,00,000 रुपए देने का वादा कर रही है सरकार। ये न्यूज़ देख चंद्रावती मन में कहती है, आए तो लाखों रुपए, लेकिन मेरी पोटलियां तो बड़ी है, ऐसा करती हो उनकी उम्र छोटी करवा कर मरवा दूंगी। इस तरह अब वो वहाँ से चली जाती है तो वही किचन में जाकर चंद्रावती देखती है कि खाना बहुत बच गया है। ये देख एक बार फिर चंद्रावती के मन में लालच आता है और वो खुद से कहती है, खाना तो बच गया है, क्यों ना मैं इस खाने को अपने घर ले जाऊं। वो खुद से बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर उसकी मालकिन आ जाती है और अपनी मालकिन को देख चंद्रावती अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन ये खाना बच गया, इस खाने का मैं क्या करूं? करना क्या है?
कुत्तों को डालो, वो मालकिन जी मैं कह रही थी कि ये खाना काफी पसंद किया और इसीलिए क्या मैं इस खाने को अपने घर अपनी पोतियों के लिए ले जाऊं क्या? अरे हाँ, वैसे भी कुत्तों को देने से ये होता है कि वो कभी कभी खाते हैं, कभी कभी नहीं खाते। बर्बाद होने से ज्यादा चाहती है खाना, पेट में चला गया। उसकी बात सुनकर चंद्रवती के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो अपनी पोतियों के लिए वह खाना पैक कर लेती है, जिसके बाद वो अपने घर जाने लगती है। जाते जाते वो अपनी मालकिन के पास जाती है और अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन आपसे मुझे तीजा चाहिए थी, आपका का होना। मालकिन मुझे आपकी वो जो गुलाबी वाली लिपस्टिक बहुत अच्छी लग रही थी, अगर आप मुझे मेरी पोती के लिए दे देती तो। अरे अरे कोई बात नहीं, आपको जो भी चाहिए आप लेना। इस तरह अब वो अपनी मालकिन के डिस्टिक ले लेती है और वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मालकिन की दोस्त उसे बोलती है, यार कैसी नौकरानी की है, ये तो एक लालची है, तुझे पता है। ये बोलती है, मानती हूँ थोड़ी सी लाती है कि लेकिन पिछले 10 साल से मेरे पास काम करने हैं और इनकी नियत मेरे घर को लेकर कभी खराब खराबी मिली है। अरे वाह, बड़ी ईमानदारी से तो है, लेकिन ये तो पूरी होने के बाद भी काम कर रही है। क्या बताऊं यार, इनके बेटे और बहू को गुजरे हुए काफी समय हो चुका है और इन काकी ने अपनी पोतियों की देखभाल अकेले ही की है और कर भी रही है, पर इनकी एक या दो नहीं बल्कि 5 पोतियां हैं। जब से काकी के बेटे और बहू गए हैं, ताकि पोतियों को कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है और उनकी हर ख्वाहिश को पूरी करने के लिए ये आज भी काम करती है। इनके पोतियां कितनी बड़ी है, सारी बड़ी है, क्यों ना हम इनके 5 पोतियों को अपने ऑफिस में काम दिलवा दे। वेल, आइडिया बुरा नहीं है। इस तरह अब दोनों दोस्त आपस में बात करके सो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ जब चंद्रावती अपने घर जाती है तो वो अपनी पोतियों को खाना निकाल कर देती है और उस खाने को देख पांचों एक साथ बोलती है, क्या ले आया है नाना? बच्चों मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना लाई हूँ, जब से माँ बाबा गए हैं तब से आपका लाला तो पड़ता ही जा रहा है। दादी, बच्चों को मेरा लालच नहीं है, मैं हमेशा तुम लोगों के बारे में ही सोचते रहते हो। दादी लाल जी, क्या आप हमारे बारे में नहीं सोच सकते हैं? आपको पता भी है, अगर आपको ये बता रहा तो लोगों को क्या कहेंगी? वो देखो लालची दादी के पास जा रही है, दादी क्या आपको अच्छा लेने से। चंद्रावती कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ खाना रख कर चली जाती है। ऐसे ही अब दिन गुजरने लगते हैं और एक दिन दादी बहुत बीमार हो जाती है और बीमारी की हालत में वो अपनी पोतियों से कहती है, बच्चा मैं तो होती बूढ़ी हो गई हो, साथ ही बीमार भी हो गई हो, तुम बाहर क्यों नहीं जाती काम करने? अगर तुम भी बाहर जाओगी तो मेरी थोड़ी मदद तो हो जाएगी। दादी अपनी नौकरी को देगा, हमारी तो एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हुई है और वैसे भी दादी आप बीमार है, लेकिन बीमारी के हालत में कुनाल चिपट नहीं जा रहा है। मेरे बच्चों भी मेरे अंदर कोई लालच नहीं है, खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ हो गया तो, और मैंने तुम लोगों को इतना पढ़ा दिया है कि तुम बाहर नौकरी कर सकती हो। दादी सही कह रही है, अब दादी की मदद करनी चाहिए। 4 साल में झांसे में मतलब, अरे शीतल तुम जानती हो हमारी दादी लालच क्यों करती है, वो इसलिए क्योंकि वो चाहती है कि हम खुश रहें, हमें कोई परेशानी ना हो। मुझे तो तुम्हें अपनी बहन बोलते हुए शर्म मारे, या अगर तुम समझदार होते तो तुम दादी को इस एज में कहीं काम करने जाने देते ही नहीं। अपनी बहन की बातें सुनकर सभी की नज़र शर्म से झुक जाती है और सभी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और सब एक साथ अपनी दादी से माफ़ी मांगते हुए कहती है, दादी माफ करो। हाँ दादी, हमने आपको कभी समझा ही नहीं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम बाहर जाकर नौकरी ढूंढ लेंगे, बहुत मन लगाकर काम करेंगे। उनकी बात सुनकर दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनको माफ कर देती है। तो वहीं उनकी बातें सुनते हुए चंद्रवती की मालकिन और उसके दोस्त वहां आती है
और उनको माफ़ी मांगते हुए देख कहती है, पहले मुझे भी लगता था कि तुम्हारी दादी लालची है, लेकिन जब मैंने पास से जाना तब मुझे भी अच्छी लगने लगी और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने तुम लोगों को अपनी कंपनी में काम देने का फैसला किया है। उसकी ये बात सुनते ही अब दादी अपने हाथों को जोड़ते हुए धन्यवाद करती है और इस तरह अब उन पांचों को एक अच्छे से नौकरी मिल जाती है और दादी का भी लालच खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।